everyone, how are you? Hope you all are very safe sitting at home during lockdown period. Na केवल अपना बल्कि अपने relatives का, अपने dear near ones का, सभी का आप लोग ध्यान रख रहे होंगे. Stay at home and stay healthy. चलिए अपने topic को थोड़ा आगे की तरफ continue करते हैं. Previous lectures में हमने pollination के types, इन सबको हमने discuss कर लिया था. सेल्फ पॉलिनेशन के फर्दर टाइप्स और क्रॉस पॉलिनेशन के भी फर्दर टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए थे. सेल्फ पॉलिनेशन के क्या मेरिट्स और क्या डीमेरिट्स हैं, वेयर एज क्रॉस पॉलिनेशन हाउ इट इज वेरी फ्रूटफुल ओवर सेल्फ पॉलिनेशन. क्यों नेचर में जरूरत पड़ी फ्लावर्स को सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा क्रॉस पॉलिनेशन करने की, तो ये तो आप सभी जानते हैं. जैसे कि परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है. Nature always love to see the variation and diversity, and that is why to bring some kind of diversity in floral formations or in plant characteristics, self pollination जो bisexual flower में होता है उसको overcome करके cross pollination unisexual flower में perform हुए. लेकिन फिर भी किसी भी flower में जिस प्रकार का pollination होना चाहिए वो किस तरीके से प्रिफर करती है कि मैं इस वाले पॉलिनेशन को सपोर्ट करूंगा. भाई हर फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होना है या क्रॉस पॉलिनेशन होना है, उसको लेकर कुछ तो अडेप्टेशंस नेचर ने दिए होंगे. सेल्फ पॉलिनेशन ही क्यों करेगा क्रॉस पॉलिनेशन वाला फ्लावर, क्रॉस पॉलिनेशन ही क्यों करेगा सेल्फ, क्यों नहीं कर सकता. मतलब कोई ना कोई फ्लोरल अडेप्टेशंस हर एक फ्लावर में नेचर ने देकर भेजा होगा. इन्हीं अडेप्टेशंस को हम कहते हैं कॉन्ट्रीवेंसेस, वी कॉल देम एज कॉन्ट्रीवेंसेस. तो अगर कोई फ्लावर सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर है, मतलब अपने आप ही अंदर पॉलिनेट कर रहा है, उसी फ्लावर का एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर लैंड कर रहे हैं, तो इस तरीके की डिवाइसेस को हम कहते हैं इन ब्रीडिंग डिवाइसेस. इफ पॉलिनेशन अकर्स विद इन द फ्लावर और इट इज अकरिंग बिटवीन द फ्लावर बट ऑफ सेम प्लांट, मोर ओवर इट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन. दो इट इज कॉल्ड एज जिटोनोगैमी बट दिस इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ओनली. तो अगर इस तरीके से कोई पॉलिनेशन हो रही है तो अंदर ही अंदर प्लांट के अंदर, तो हम उसको क्या कहेंगे इनब्रीडिंग डिवाइसेस. और इस इनब्रीडिंग डिवाइसेस के लिए एक दूसरा शब्द आप यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रीवेंसेस. सो वॉट डू वी मीन बाई कॉन्ट्रीवेंसेस. Contrivances means some special type of adaptations which is being formed by flowers to achieve favored method of pollination. किस particular flower को किस प्रकार के pollination को करने में interest है, क्या मैं self pollination करूंगी तो it will be more good for me, या flower कहता है कि नहीं हम लोग cross pollination करेंगे तो शायद better form में survive करेंगे और better form में हमारे characteristics प्रजनी में ट्रांसफर होंगे. तो किस तरीके के फ्लोरल अडेप्टेशंस किसी भी फ्लावर में डेवलप होते हैं उन्हीं को हम कॉन्ट्रीवेंसेस कहते हैं. सो टुडेज टॉपिक इज व्हाट आर द इनब्रीडिंग डिवाइसेस फ्लावर हैज अडेप्टेड टू अचीव सेल्फ पॉलिनेशन और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टू अडेप्ट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. पहले हम लोग देख लेते हैं फ्लावर के अंदर इन ब्रीडिंग डिवाइसेस कौन कौन से हैं या इन ब्रीडिंग अडेप्टेशन कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले देख लीजिए होमोगैमी और बाइसेक्सुअलिटी. डेफिनेटली जैसे कि एनिमल्स के केस में अपन हर्माफ्रोडाइट इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी फ्लावर में हम टर्म इस्तेमाल करते हैं होमोगैमस. मतलब एक ही फ्लावर के अंदर दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का होना, इसे हम कहेंगे होमोगैमी होना या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होना. अगर एक ही फ्लावर में दोनों सेक्सेस एक साथ प्रेजेंट हो तो फिर क्या जरूरत है किसी और से पोलन ग्रेन लेने की. तो नेचर में पहले बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ही आए और इसीलिए पहले जो हुआ करती होगी वो सेल्फ पॉलिनेशन होती होगी. या आज भी कितने सारे फ्लावर्स हैं जो बाइसेक्सुअल हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को सपोर्ट करते हैं. इसके लिए उनके पास अलग अलग तरीके के अडेप्टेशंस हैं. सो जैसे कि एक एग्जांपल है मिराबिलिस जलापा. मिराबिलिस जलापा ने कुछ इस प्रकार से अडेप्टेशन किया कि अपना जो एंथर का जो फिलामेंट है, जो स्टेमन का जो फिलामेंट है, उस फिलामेंट को थोड़ा बैंड रखता है टुवर्ड्स द स्टिग्मा. मतलब पिस्टिल की तरफ स्टेमन का थोड़ा झुकाव बनाए रखता है फिलामेंट.
so that whenever the anther is going to dehisce and pollen grain is going to release, it will automatically fall on its own flower. यहाँ पर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि ये फ्लावर चाहता ही सेल्फ पॉलिनेशन है. अगर ये फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन चाहता तो यहाँ पर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का रूल फॉलो होता, कि मतलब मैं अपने मेरे फ्लावर के पोलन ग्रेन को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा. ये भी एक तरीका है, लेकिन ये किन में जो क्रॉस पॉलिनेशन करना जानते हैं. लेकिन हम तो किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे फ्लावर की जो कि सेल्फ पॉलिनेशन में विश्वास रखते हैं. दे वॉन्ट सेल्फ पॉलिनेशन टू बी अचीव्ड. तो इन दैट केस, इफ द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, इफ द फ्लावर इज शोइंग होमोगैमी, तो इन दैट केस द एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन विल सिट ओवर द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. For this, either filament is near, bend towards the, you can say stigma, so that pollen grain automatically fall on it, and this is being observed in Mirabilis jalapa. Or secondly, agar aap dekhe, Solanum tuberosum is a scientific name of potato. In this particular example, what happens, ki jo style hoti hai, wo thodi curl around hoti hai to the stamen. वो एंथर के चारों तरफ थोड़ी कर्ल रहती है, ताकि स्टिग्मा और एंथर ये आपस में क्लोज कांटेक्ट में बने रहे, ताकि जब भी एंथर डहीस हो और पोलन ग्रेन रिलीज हो तो डेफिनेटली पोलन ग्रेन उड़कर कहीं और ना जाए और ऑटोमेटिकली इसी फ्लावर की स्टिग्मा पर बैठ जाए. तो सबसे पहले नेचर में जब बाइसेक्सुअल फ्लावर आए होंगे, और बाइसेक्सुअल फ्लावर जिनके पास कोई और चॉइस नहीं होगी, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन ही परफॉर्म करते होंगे. तो अगर कोई फ्लावर सेल्फ पॉलिनेट करता है, तो किस तरीके का फ्लावर फ्लोरल अडॉप्टेशन उसमें देखने के लिए मिलेगा, होमोगैमी या बाइसेक्सुअलिटी. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. सेकेंड वेरी न्यू टर्म फॉर यू, दैट इज क्लिस्टोगैमी. व्हाट डू यू मीन बाय क्लिस्टोगैमी? अगर कोई फ्लावर हमेशा क्लोज्ड कंडीशन में रहे, ये फ्लावर कभी ओपन ही ना हो, ये फ्लावर कभी ब्लूम ही ना हो, दिस इज अ फ्लावर हूज ब्यूटी इज टू ऑलवेज रिमेन क्लोज्ड. जैसे कि आपने बहुत सारे अपने गार्डन्स में या अपने नियर बाय गार्डन्स में देखे होंगे, ऐसे फ्लावर जो हमेशा से लगते हैं ये कली के फॉर्म में ही है, ये बड के फॉर्म में है, एक्चुअली ये कंप्लीट फ्लावर होते हैं, ये कभी ओपन नहीं होते. अब सोचिए, अगर ये फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होगा, तो एंथर भी अंदर बंद है और स्टिग्मा भी अंदर बंद है, अंदर ही अंदर पॉलिनेशन हो जाएगा, और पॉलिनेशन होने के बाद जब प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, तब इनकी लीव्स गिरेंगे, तब इनके यू नो फर्दर डेवलपमेंट होगी, और सीड्स फिर वापस से जर्मिनेट होके नए प्लांट को फॉर्म करेंगे. तो ऐसे फ्लावर विच नेवर एवर ओपन्स, दे ऑलवेज प्रिफर टू रिमेन क्लोज्ड, सो दैट एंथर बर्स्ट विद इन द फ्लावर एंड पोलन ग्रेन सिट ओवर द स्टिग्मा, बींग अ पार्ट ऑफ क्लोज्ड फ्लावर ओनली. सो एनी क्लोज्ड फ्लावर इज कॉल्ड एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर. तो ये भी एक फ्लोरल अडेप्टेशन उन पर्टिकुलर फ्लावर्स में है जो पसंद करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन करना. ये तीन एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए, वहीं से मैंने लिए हैं, कोमेलिना, ऑक्सालिस एंड वायोला. ये तीनों ही क्लिस्टोगैमस फ्लावर है. ऐसा नहीं है कि इन प्लांट्स के अंदर ओपन फ्लावर नहीं है, इनके पास ओपन फ्लावर भी है. ओपन फ्लावर को कहते हैं चेस्मोगैमी और चेस्मोगैमस फ्लावर. बट राइट नाउ वी आर बिकॉज टॉकिंग अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन, सो विच कॉन्ट्रीवेंसेज इज देयर, दैट इज क्लिस्टोगैमी. थर्ड आप कंडीशन देखिए, बड पॉलिनेशन. अगर फ्लावर में बड कंडीशन के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाए, मतलब फ्लावर अभी ब्लूम हुआ भी नहीं है, अभी ये बर्ड कंडीशन में ही है, और बर्ड कंडीशन में रहते रहते ही एंथर मेच्योर हो जाए, स्टिग्मा मेच्योर और रिसीविंग हो जाए, और पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करके पॉलिनेशन करके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बिगिन भी कर दें, ऐसी बर्ड पॉलिनेशन भी कुछ प्लांट्स में देखने के लिए मिलती है. जैसे आप वीट में देख सकते हैं, कुछ वेराइटीज ऑफ राइस में, टबैको या टमेटो में भी देख सकते हैं. तो इस तरीके के तीन कॉन्ट्रीवेंसेस हैं जहां पर फ्लावर पसंद करता है अपने आप को सेल्फ पॉलिनेट करना. हम जैसा कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं. फायदा, जैसे कि मुझे प्योर लाइन ब्रीड अगर चाहिए, देन दिस इज अ वेरी गुड थिंग. अगर मुझे कोई अनफेवरेबल या अनडिजायरेबल कैरेक्टर नहीं चाहिए, देन दिस इज अ वेरी गुड थिंग. अगर मुझे कोई मेरा डिजायरेबल कैरेक्टर प्रोजेनी में ट्रांसफर कराना है, तो दिस इज द बेस्ट कॉन्ट्रीवेंस, दीज आर द बेस्ट कॉन्ट्रीवेंसेस. ये इनब्रीडिंग डिवाइसेस बहुत अच्छी हैं. लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम यहां पर आती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने लगता है.
अगर सेल्फ पॉलिनेशन कुछ जेनरेशंस तक कंटिन्यू रहे तो हाइब्रिड वाइगर उसका रिड्यूस हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, जिसको आप इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। और इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवररूल किया जाता है बाय डूइंग अ सिंगल आउट क्रॉस, बाय गोइंग फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो नेचर में बहुत लंबे समय तक सेल्फ पॉलिनेशन नहीं चला होगा, क्योंकि शायद नेचर डिमांड्स वैरायटी, नेचर डिमांड्स यू नो डाइवर्सिटी, नेचर डिमांड्स समथिंग न्यू वेरिएंट टू बी प्रोड्यूस, जो उसको सेल्फ पॉलिनेशन से नहीं मिलेंगे। इसलिए धीरे धीरे कुछ अडेप्टेशन हुए होंगे और कुछ ऐसे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस आए होंगे, कुछ ऐसे फ्लोरल कॉन्ट्रीवेंसेस डेवलप हुए होंगे जिससे क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस बिगिन हो। So let's see what are the outbreeding devices or outbreeding contrivances flower must have adapted itself in order to go for the process of cross pollination. Okay, now we will see outbreeding devices. Outbreeding devices or those contrivances which prefer for cross pollination. नेचर डिमांड करती है वेरिएशंस को और नेचर कहती है सेल्फ पॉलिनेशन से वैरायटीज नहीं मिल रही। तो फ्लावर, यू ब्रिंग सम काइंड ऑफ अडेप्टेशन इन योर जेनेटिक्स, यू ब्रिंग सम काइंड ऑफ अडेप्टेशन इन योर मॉर्फोलॉजी और इन योर अरेंजमेंट, सो दैट वी कैन प्रमोट फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन आप जानते हैं, दो टाइप्स मैंने आपको बताए थे, जीनोगैमी एंड हाइब्रिडाइजेशन, दो डिफरेंट प्लांट पर लगे हुए दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में। आई मीन फ्लावर सेम होने चाहिए, मतलब एक ही स्पीशीज के, लेकिन दो डिफरेंट प्लांट्स। सो इस पोलन फ्रॉम वन प्लांट विल बी गोइंग टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट थ्रू सर्टेन पॉलिनेटिंग एजेंट्स, बट दीज टू प्लांट शुड बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। पहली कंडीशन ये, इसको आप जीनोगैमी कहिएगा, राइट, जो कि जनरली सभी आपको प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है। अदरवाइज अगर स्पीशीज भी डिफरेंट हो जाती है तो हम उसको हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं, राइट। तो हम जीनोगैमस कंडीशन की अगर बात करें कि अगर किस तरीके से कौन से स्पेशल अडेप्टेशन इन क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर ने अपने अंदर जनरेट किए होंगे, तो सबसे पहले तो बेटा जरूरी है कि आप बाइसेक्सुअलिटी से यूनिसेक्सुअलिटी की तरफ आ जाए। फ्लावर को बाइसेक्सुअल की जगह अगर यूनिसेक्सुअल कर दे, मतलब डेक्लाइनी, एक सेक्स ऑर्गन कम कर दे, आइदर द फ्लावर इज स्टेमिनेट हैविंग एंड्रोशियम और द फ्लावर इज पिस्टिलेट हैविंग गायनोशियम, इन दिस केस सेल्फ पॉलिनेशन को डीमोटिवेशन हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन थोड़ा लॉस्ट प्रोसेस हो जाएगा और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जाएगा। प्लांट्स न केवल मोनोइशियस डाइशियस कंडीशन में बनने शुरू हो गए, जैसे कि पपाया है, मलबरी है, ये सब डाइशियस हैं। डाइशियस आप जानते हैं, वेयर स्टेमिनेट और पिस्टिलेट ये दोनों फ्लावर्स अलग अलग प्लांट पे हैं। मतलब एक प्लांट जो सिर्फ मेल 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 फ्लावर रख रहा है और दूसरा प्लांट जो सिर्फ पिस्टिल 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 ही अपने पास रख रहा है। इस तरीके के दो डिफरेंट प्लांट बॉडी पर, किसी पर मेल रिप्रोडक्टिव स्टेमिनेट फ्लावर तो किसी पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पिस्टिलेट फ्लावर अगर है, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइशियस। तो डाइशियस कंडीशन भी हो गई, यूनिसेक्सुअलिटी भी हो गई, तो डेफिनेटली सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन ही एकमात्र सोल्यूशन है। हाँ, किसी किसी केसेस में, जैसे कि मेज के केस में, कैस्टर के केस में, आपको मोनोइशियस प्लांट मिल सकता है क्रॉस पॉलिनेशन दिखाता हुआ। मोनोइशियस मतलब एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट है और इस पर स्टैमिनेट भी है और इस पर पिस्टिलेट भी है, लेकिन फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है ना। ये कंडीशन आप ऐसा कह सकते हैं जैसे कि यू नो गिटोनोगैमी टाइप कंडीशन, जिटोनोगैमी टाइप कंडीशन, लेकिन वहां पर बाइसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं कि इसी फ्लावर का उड़कर दूसरे फ्लावर पर आ गया, ये भी बाइसेक्सुअल, ये भी बाइसेक्सुअल, एक ही प्लांट बॉडी है, राइट। तो ऐसी कंडीशन आपको मेज में और कैस्टर में मिल सकती है जहां पर एक फ्लावर ऊपर की तरफ जो है वो स्टेमिनेट फ्लावर है और नीचे की तरफ है वो पिस्टिलेट फ्लावर है, तो यहां से पोलन ग्रेन उड़कर इस वाले फ्लावर पर आकर बैठ गया। ये मोनोइशियस कंडीशन हो सकती है मेज की, इसको आप सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कहेंगे, सेल्फ मतलब विद इन द फ्लावर, ऑटोगैमी, इसको आप क्रॉस पॉलिनेशन ही कहेंगे।
तो इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन ही हो गया। हाँ जेनेटिकली आप कह सकती हैं ये सेल्फ पॉलिनेशन है, जेनेटिक्स दोनों प्लांट का सेम है लेकिन इकोलॉजिकली ये भी एक प्रकार का क्रॉस पॉलिनेशन है। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू नाउ। तो अगर फ्लावर को अपने अंदर क्रॉस पॉलिनेशन कराना था तो उसने सबसे पहले क्या हथियार ढूंढा, उसने सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज अपने अंदर डेवलप की कि फ्लावर की सेक्सुअलिटी होमोगैमी की बजाय उसने हेट्रोगैमी प्रिफर किया। एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिख दिए। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट देखिए, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। हम ऑलरेडी इसके ऊपर लेक्चर कर चुके हैं, जिन बच्चों ने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन वाला वीडियो देखा नहीं प्लीज इस सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को वहां से देखिए। मैंने आपको वहां बताया था कि प्लांट्स जो क्रॉस पॉलिनेशन प्रिफर करते हैं वहां पर पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में, पोलन और पिस्टल के बीच में एक केमिकल डायलॉग चलता है, एक केमिकल कम्युनिकेशन चलता है। जब तक ये दोनों केमिकल कम्युनिकेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर लेते, स्टिग्मा डू नॉट अलाउ पोलन टू जर्मिनेट द पोलन ट्यूब। Means pistil is going to decide whether the pollen is of right type or whether the pollen is wrong type. If the pollen is of right type, then I will allow this to germinate. अब ये right type और wrong type क्या है? Right type वो अगर ये किसी और plant से उड़कर आया है, wrong type वो अगर ये इसी flower का है, इसी plant का है, तो वो इसको demotivate करेगी। मैंने आपसे बात की थी इस बारे में कि एक केमिकल इवेंट क्या होता है, एक केमिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, कि पिस्टल की तरफ से भी कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। पिस्टल में स्टाइल में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं, रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर्स होते हैं, जो पोलन ग्रेन के रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर्स को जब तक रिकॉग्नाइज नहीं कर लेते, जब इन दोनों में जब तक इनमें कंपैटिबिलिटी नहीं हो जाती, ये तब तक उनको जर्मिनेट नहीं होने देता। अगर ये इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उड़कर इसके ऊपर बैठा है, उस केस में इट विल नॉट अलाउ दिस पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट, क्योंकि तुम मेरे ही पार्ट हो, मेरे फ्लावर का पार्ट हो, और मेरे फ्लावर का पार्ट हो लेकिन हमको सेल्फ पॉलिनेशन अलाउड नहीं है, हम क्रॉस पॉलिनेशन करने वाले फ्लावर्स हैं, तो आई विल नॉट अलाउ यू टू जर्मिनेट ऑन मी। एंड दिस टाइप ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन इज कंप्लीटली अ जेनेटिक मैकेनिज्म। ये जेनेटिक्स है, ये फ्लावर के अंदर का एक न्यूली मॉडिफाइड जेनेटिक्स है, जहां पर फ्लावर बाइसेक्सुअल होने के बाद भी, जरूरी नहीं है यूनिसेक्सुअल ही क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, लेकिन उसके उस केस में सेकेंड प्रॉपर्टी का वो इस्तेमाल करते हैं कि अगर मेरे ही फ्लावर का पोलन ग्रेन मेरे ऊपर बैठ जाए तो मैं उसको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के चलते क्या कर सकता हूँ, रिजेक्ट कर सकता हूँ। फ्लावर हैज दिस पावर, फ्लावर हैज इवॉल्व दिस काइंड ऑफ जेनेटिक मैकेनिज्म। सो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स इफ द फ्लावर, इफ द पोलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप मीन्स इफ द पोलन बिलोंग्स टू द सेम फ्लावर विद इन द फ्लावर, देन दैट पोलन विल बी रिजेक्टेड बाय द पिस्टल एंड पोलन only pollen of different flower of different plant will be accepted by the pistil. आप example बता सकते हैं tobacco, tea, orchids, they follow the process of self incompatibility. Then the third and very very important is dichogamy. Dichogamy means यहाँ पर कि the time period of maturity of male and female reproductive organs should be at a different time. एंथर कब मैच्योर होना है, पिस्टल कब मैच्योर होनी है, स्टिग्मा कब रिसेप्टिव होना है, ये टाइम कभी भी मैच ना हो। कहीं किसी केस में एंथर अगर पहले मैच्योर हो जाए फ्लावर में, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो एंथर की मैच्योरिटी अलग टाइम पर हो और स्टिग्मा रिसेप्टिव अलग टाइम पर हो, क्योंकि मैं बाइसेक्सुअलिटी में भी क्रॉस पॉलिनेशन करा सकती हूँ। कैसे करा सकती हूँ? तो नेचर कहता है मैं डाइकोगैमी को इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ। मैं फ्लावर के अंदर अगर डाइकोगैमी इंट्रोड्यूस करा दूं तो ये फ्लावर बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी सेल्फ नहीं करेगा, क्रॉस करेगा। हाउ? आई विल वेरी द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा टू बी रिसीव्ड। इस प्रकार से डिफरेंट टाइम पर मैच्योरिटी होने वाले प्रोसेस को आप डाइकोगैमी कहेंगे। अब यहां पर दो प्रोसेस हो गए, एक हो गया बेटा प्रोटो एंड्री और एक हो गया प्रोटोगाइनी। प्रोटो मतलब पहले, एंड्री मतलब एंड्रोशियम, वेरी क्लियर। इफ एंथर इज मैच्योर अर्लियर देन द स्टिग्मा इज गेटिंग रिसेप्टिव,
तो एंथर बर्स्ट हो गया, लेकिन स्टिग्मा अभी मेच्योर ही नहीं हुआ, स्टिग्मा इसको रिसीव नहीं करेगा क्योंकि स्टिग्मा की मेच्योरिटी अभी होने की है, तो पोलन ग्रेन यहां पर जर्मिनेट नहीं होगा। सो एंथर इज मेच्योरिंग अर्लियर और एंड्रोशियम इज मेच्योरिंग अर्लियर देन द गाइनोशियम, देन इट इज कॉल्ड एज प्रोटो एंड्री, लाइक इट इज सीन इन चाइना रोज, इट इज सीन इन सनफ्लावर एंड देर आर वेरियस अदर एग्जाम्पल्स। बट इफ गाइनोशियम मेच्योर फर्स्ट, अगर गाइनोशियम पहले मेच्योर हो जाता है, स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाता है, लेकिन एंथर अभी बर्स्ट ही नहीं हुआ, तो डेफिनेटली बहुत चांसेस है कि दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन ही एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे कि इन द केस ऑफ अनोना, अनोना मतलब कस्टर्ड एप्पल, सीताफल, माइचेलिया, मिराबिलिस, मैग्नोलिया, बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पर फ्लावर में स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाती है और इस फ्लावर का एंथर अभी बर्स्ट नहीं हुआ तो हुआ होता, और इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो जाती है, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है। तो फ्लावर देखिए, नेचर कहती है कि भाई मैं सब फ्लावर को यूनिसेक्सुअल नहीं कर सकता हूं, मैं फ्लावर को बाइसेक्सुअल ही रख रहा हूं, लेकिन फ्लावर के जेनेटिक्स में, फ्लावर के सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस ले आऊंगा जैसे कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, एक जेनेटिक मैकेनिज्म में यहां इंट्रोड्यूस कर देता हूं, मैं लॉन्च कर देता हूं डिफरेंट टाइम पर मेच्योरिटी जिसको डाइकोगेमी कहते हैं, ताकि ये सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर सके। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट आप देख लीजिए हेटरोस्टाइली, हेटरोस्टाइली, हेटरो मतलब डिफरेंट, स्टाइली मतलब स्टाइल का लेंथ, फ्लावर में अलग अलग स्टाइल की अरेंजमेंट हो सकती है इन कंपैरिजन टू स्टेमेन, या तो स्टाइल, स्टाइल मतलब पिस्टल का पार्ट, या तो स्टाइल लॉन्ग होगा तो फिलामेंट छोटा होगा, राइट? आप समझ रहे हैं मेरी बात, या तो स्टाइल लॉन्ग होगा, देखिए ये आपका स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, ये ओवरी है, और आपका एंथर छोटा है, तो अगर एंथर बर्स्ट भी होता है, फिलामेंट छोटा है तो एंथर अगर बर्स्ट भी होता है तो पोलन ग्रेन इतना ऊपर उड़कर नहीं जाएंगे, राइट? तो इस तरीके से हेटरोस्टाइली हो सकती है, या इसका उल्टा भी हो सकता है, स्टाइल की लेंथ छोटी है और फिलामेंट की लेंथ बहुत लंबी है। अब मैं उल्टा केस कर देती हूं, सो दिस इज योर स्टाइल का लेंथ एंड दिस इज योर फिलामेंट का लेंथ, और आप जानते हैं जो चीज बहुत लंबी होगी वो बाहर की तरफ ऐसे थोड़ा सा बेंड रहेगी तो एंथर बाहर ही बाहर लेकर चले जाएंगे पोलन ग्रेन। अच्छा कि हालांकि ये श्योर मेथड नहीं होता, आप जानते हैं क्रॉस पॉलिनेशन श्योर मेथड नहीं होता, अगर इसी के पोलन ग्रेन इसके ऊपर बैठ भी गए तो कोई डरने की बात नहीं है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, राइट? तो इस तरीके का डाइमॉर्फिज्म, फ्लावर्स दे शो डाइमॉर्फिक कंडीशन इन देयर स्टाइल अरेंजमेंट, आइदर लॉन्ग स्टाइल विद शॉर्ट फिलामेंट्स और शॉर्ट स्टाइल विद लॉन्ग फिलामेंट, ऐसा डाइमॉर्फिज्म फ्लावर शो करते हैं। और बड़ा ब्यूटीफुल एग्जांपल अगर आप देखना चाहेंगे तो दैट इज इवनिंग प्राइम रोज, शायद ये हैंडराइटिंग आपको क्लियर ना हो रही हो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, इवनिंग प्राइम रोज इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल वेयर दीज टू डाइमॉर्फिज्म इन टू डिफरेंट फ्लावर्स और इन सेम फ्लावर कैन बी सीन विच इज शोइंग हेटरोस्टाइली, क्लियर? नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज वन मोर टाइप दैट इज कॉल्ड हर्कोगैमी। नाउ व्हाट इज हर्कोगैमी? हर्कोगैमी मतलब फ्लावर के अंदर कोई भी फिजिकल और यू नो मैकेनिकल बैरियर का बन जाना, फ्लावर अपने अंदर ही कुछ ऐसे बैरियर सिस्टम क्रिएट कर दे जिसके चलते कुछ भी हो लेकिन मेरा पोलन ग्रेन मेरे स्टिग्मा पर ना मिले, ऐसा कोई बैरियर अगर क्रिएट हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। जैसे ग्लोरियोजा के केस में हम बात करें तो एंथर बाहर की तरफ, मतलब फिलामेंट ऐसे है और स्टिग्मा ऐसा है, मतलब फिलामेंट ऐसे है तो ये एंथर इधर है और स्टिग्मा बिल्कुल बीच में है, पिस्टल बिल्कुल बीच में, तो डेफिनेटली बहुत मिनिमम चांसेस होंगे कि विंड करंट्स के चलते इसका पोलन ग्रेन इसी के ऊपर गिरे, ये बाहर बस्ट होंगे और बाहर ही पोलन ग्रेन दूर चले जाएंगे हवा के साथ, या तो इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे, कुछ गिर भी गए तो मैंने आपको बता दिया सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी तो है ही जो उसका साथ निभाएगी और सेल्फ पॉलिनेशन ना करते हुए क्रॉस पॉलिनेशन कराएगी। तो ये कुछ फिजिकल बैरियर हो गया, ये देखिए ये हो गया पिस्टिल, ये हो गया एंथर इधर की तरफ, तो ये हो गया एक फिजिकल बैरियर जो कि फ्लावर ने खुद ही क्रिएट किया है, राइट? ये हर्कोगैमी हो गई। और एक एग्जांपल देख लो बड़ा सुंदर सा, कैलोट्रोपिस, हनुमानी झाड़,
राइट, कैलोट्रॉपिस। हनुमान जी को इस फ्लावर, इस प्लांट के फ्लावर की माला बनाकर चढ़ाते हैं, हनुमान जी को खुश करना होगा ना, तो कैलोट्रॉपिस जो कि एक वीड की तरह माना जाता है, कोई भी कैटल इसको ग्रेज नहीं करना चाहती है, कैलोट्रॉपिस हनुमानी पेड़ इसको कहते हैं, पर्पल कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जो हर्कोगैमी शो करता है। ये क्या करता है, इसके एंथर में ना जो पोलन बैग्स है, ऐसे बड़े बड़े दो पोलन बैग्स बना लेता है, मतलब इधर के फ्यूज करके एक पोलन बैग इस लोब में, एक पोलन बैग इस लोब में, और इन बड़े बड़े पोलन बैग्स को कहते हैं पोलिनियम। आपको याद होगा मैंने आपको जब हम लोग अरेंजमेंट ऑफ टेट्राड्स वाला लेक्चर मैंने आपका लिया था, उसमें मैंने कैलोट्रॉपिस का एग्जाम्पल बताया था कि दोनों पोलन सेक्स को फ्यूज करके बड़े बड़े थैले बना लेते हैं, इसको कहते हैं पोलिनियम, और इस पोलिनियम को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है बाय अ ट्रांसलेटर। अब इतना हैवी स्ट्रक्चर, एंथर जब बर्स्ट होगा तो पोलिनियम उड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये एक दो बैग्स हैं जो आपस में फ्यूज हो गए, कनेक्ट हो गए, और इनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसलेटर है। ये एक बैग है, इसमें बहुत पोलन बैन भरा पड़ा है, ये भी एक बैग है, और बीच में एक ट्रांसलेटर है। अब इतने हैवी स्ट्रक्चर को ले जाना बड़ा मुश्किल है हवा के लिए, तो इंसेक्ट की मदद से ही ये उठ पाएंगे। तो इंसेक्ट जब आता है सैप वगैरह लेने, तो ये पोलिनियम पूरा का पूरा, ये कंपाउंड जो स्ट्रक्चर है, ये उनके विंग्स में या उनके पैरों में या बीक में कहीं तो भी लग जाता है, चिपक जाता है, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स उठाकर वो ले जाते हैं और दूसरे प्लांट पर ले जाकर छोड़ देते हैं, और क्रॉस पोलिनेशन होता है। राइट, सो इस तरीके से आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। एक बार मैं क्विक से आपको रिवाइज करा देती हूँ, सेल्फ पॉलिनेशन करना है तो कैसे करना है, और अगर सेल्फ नहीं करना है तो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करना है। फ्लावर ने अपने अंदर कुछ अडेप्टेशंस क्रिएट किए, ऐसे फ्लोरल अडेप्टेशंस को कहते हैं कॉन्ट्रीवेंसेस। सो सम कॉन्ट्रीवेंसेस आर फॉर इन ब्रीडिंग पर्पसेस, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, सम कॉन्ट्रीवेंसेस आर फॉर आउट ब्रीडिंग पर्पसेस, दैट इज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए तीन इन ब्रीडिंग डिवाइसेस फ्लावर ने अपने अंदर लाए, जैसे कि सबसे पहले बाइसेक्सुअलिटी और होमोगैमी, मतलब एक ही समय पर मैच्योरिटी और फ्लावर के अंदर दोनों सेक्सेस का होना जरूरी है, तो बिल्कुल बहुत ही श्योरिटी है कि वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन होगा। दूसरा केस, इन द सेकंड केस वाज लाइक सेल्फ, सॉरी द सेकंड केस वाज क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी मींस कि अगर फ्लावर बड कंडीशन में ही रहना पसंद करता है, ओपन नहीं होता है, तो इन दैट केस बहुत बिल्कुल बेहतरीन चांसेस है कि वहां सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्लिस्टोगैमी की कंडीशन है, कॉमेलिना है, वायोला है, ऑक्सालिस है, दिस इज द कंडीशन। थर्ड, बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड कंडीशन में ही अगर अपना पॉलिनेशन कंप्लीट कर ले, देन इट इज कॉल्ड एज, इट इज अ डिवाइस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर फ्लावर इन तीनों में कुछ चेंजेस लेकर आए, क्योंकि नेचर को चेंज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस फ्लावर ने अपने अंदर डेवलप किए। क्या डेवलप किए, यूनिसेक्सुअलिटी डेवलप कर ली। क्या डेवलप किया, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, एक जेनेटिक केमिकल डायलॉग यहाँ पर डेवलप कर लिया। डाइकोगैमी, टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ एंथर और स्टिग्मा, ये वेरिएबल कर लिए। हेट्रोस्टाइली, फ्लावर ने अपने स्टाइल की लेंथ विद फिलामेंट की लेंथ को वेरिएबल कर लिया। हर्कोगैमी, कुछ फिजिकल या कुछ मैकेनिकल बैरियर अपने अंदर डेवलप कर लिए। इस तरीके से कुछ भी हो, चाहे मैं बाइसेक्सुअली हूं लेकिन मैं सेल्फ नहीं करूंगा, मैं क्रॉस करूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने टाइम ऑफ मैच्योरिटी अलग कर लिया। मैं सेल्फ नहीं करूंगा, क्रॉस ही करूंगा, क्यों, क्योंकि मैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के इवेंट पर विश्वास रखता हूं, या फिर मैं यूनिसेक्सुअलिटी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस तरीके से इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, यहां से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा इसको सर्कुलेट कीजिए। अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो डेफिनेटली अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशंस, सारे न्यू अपलोड्स आप तक आ सके। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।